नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, पूरे 172 सालों के बाद बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी में ये 6 राशियां होंगी करोड़पति माला माल। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इस बार के कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बन रहे दुर्लभ महासंयोग महालक्ष्मी योग से 12 राशियों में से 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। ये 6 राशि वाले धन से मालामाल होने वाले हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा से इन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन 6 राशि वालों को अब अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। ये 6 राशि वाले अब करोड़पति बनेंगे। ये 6 राशि वाले होंगे धन से मालामाल। जी हाँ दोस्तों, ये 6 भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी है जो कि इस बार 26 और 27 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करोड़पति बनने वाली है, आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन 6 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिए, जिससे श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसे कृष्ण अष्टमी या गोकुल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के अनुयायियों के लिए जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत महत्व रखता है। ये त्यौहार कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्यौहार देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के बाद प्रसाद वितरण करके अपना व्रत खोलते हैं। इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी और समापन 27 अगस्त रात 2:19 पर होगी। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त दिन सोमवार को जयंती योग से मनाया जाएगा। जयंती योग में जन्माष्टमी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस योग में जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको वैकुंठ धाम में निवास मिलता है। गृहस्थ जीवन और वैष्णव संप्रदाय वाले इस बार एक ही दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा विधि ये है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें और घर के मंदिर को आप साफ कर लें। साफ सफाई करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं का जल अभिषेक करें। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल जी का जल अभिषेक करें। इस दिन लड्डू गोपाल जी को झूले में अवश्य बिठाएं।
लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं, अपनी इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान लड्डू गोपाल चीज़ों का ही भोग लगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा पुत्र की तरह करें। इस दिन रात्रि पूजा का महत्व होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रात्रि में हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष पूजा अर्चना करें। भगवान लड्डू गोपाल जी को मिश्री मेवा का भोग भी अवश्य लगाएं। लड्डू गोपाल जी की आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल जी का ध्यान करें। इस दिन लड्डू गोपाल जी की अधिक से अधिक सेवा करें। और साथ ही साथ आपको बता दें कुछ नियम कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। आपको बता दें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और श्री कृष्ण के आगे व्रत का संकल्प करें। ये संकल्प आप हाथों में तुलसी की एक पत्ती पकड़कर करें और साथ ही व्रत के दौरान होने वाली किसी भी भूल के लिए पहले ही क्षमा मांग लें। यदि आप विवाहित हैं तो उपवास रखने के एक रात्रि पूर्व आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खास तौर पर रात्रि 12 बजे के बाद से ही आपका उपवास प्रारंभ हो जाता है और ये अगले दिन रात में 12 बजे ही श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही खुलता है। जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और उन्हें तिल अर्पित करें। मध्याह्न के समय खुद तिल के पानी से स्नान करें। ऐसी मान्यता है कि इस समय से श्री कृष्ण की माता देवकी जी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी और फिर रात्रि में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। इसी के साथ जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और उन्हें तिल अर्पित करें। वहीं मध्याह्न के समय खुद तिल का के पानी से स्नान करें। ऐसी मान्यता है कि इस समय से श्री कृष्ण की माता देवकी जी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी और फिर रात्रि में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। जन्माष्टमी के दिन आप लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको घर के द्वार को कमल के फूलों से सजाना चाहिए। कमल का फूल भगवान श्री विष्णु को भी अति प्रिय है क्योंकि देवी लक्ष्मी इस पुष्प में वास करती है। जन्माष्टमी के व्रत में आप सारे फलों का सेवन कर सकते हैं मगर इस दिन श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व खीरा नहीं काटना चाहिए। दरअसल खीरे के स्टेम काट करके ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि खीरे की स्टेम को बच्चे की नाल समझकर श्री कृष्ण जन्म के वक्त काटा जाता है। जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। सुबह से रात तक आप फलों का सेवन करें और रात में आप साधारण भोजन करके व्रत खोल सकते हैं। वैसे जो लोग पूरे दिन व्रत रखना चाहते हैं वे लोग रात्रि भोजन में भी फल दही दूध और श्री कृष्ण के चढ़े प्रसाद का सेवन करें। श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर आप व्रत रख रहे हैं तो शाम को पूजा के वक्त आपको नए वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन आप मौन व्रत रखकर श्री कृष्ण के नाम का जाप भी कर सकते हैं। यदि मौन व्रत नहीं रख रहे हैं तो आपको पूरे दिन श्री कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। इस दिन आप पानी में तुलसी की पत्ती डालकर उसका सेवन करें। इतना ही नहीं, आपको तुलसी की भी इसी दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और श्री कृष्ण के हर भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए। व्रत रखने वाले हर जातक को श्री कृष्ण जन्म के बाद उन्हें झूला ज़रूर झुलाना चाहिए और जिस पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया है उसे प्रसाद के रूप में ज़रूर ग्रहण करें। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इसी दिन यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इसमें से ही एक साथ सहयोगी इस दिन महालक्ष्मी योग महाशुभ संयोग के बनने में
बनने से माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, 12 राशियों में से 6 राशियां इस बार जो कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है, बहुत ही भाग्यशाली, धन से मालामाल होने वाले हैं। चलिए समय न गंवाते हुए बात करते हैं इन 12 राशियों में से 6 राशि कौन सी है जो करोड़पति बनने वाली है, जिनको माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। सर्वप्रथम राशि आई है दोस्तों, वो है कुंभ राशि। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वालों को बता दें, इस बार की जो कृष्ण जन्माष्टमी आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है। आपके ऊपर माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष आशीर्वाद बना रहेगा और आपको बता दें, इनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके जीवन की समस्त परेशानियां खत्म होने वाली है। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आने वाली है। साथ ही साथ जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको बिजनेस में दिन दुगना रात चौगुना तरक्की मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही साथ बिजनेस करने वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपको बता दें, यदि आप विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने को लेकर योजना बना रहे हैं, तो वो योजना आपकी जल्दी ही सफल साबित होने वाली है। कुंभ राशि वालों, आपको खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपके जीवन में खुशियों की बहार आएगी और आपके जीवन में आपको धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें, इस बार जो कृष्ण जन्माष्टमी है आपके लिए बेहद ही शुभ फलदायी साबित होने वाली है। भगवान श्री कृष्ण जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा कन्या राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। आपको बता दें कि आपकी आर्थिक स्थिति अब मजबूत होने वाली है। आपको आर्थिक लाभ मिलने वाला है। चारों तरफ से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें, आप नया मकान भी खरीद सकते हैं। आपके जीवन से धन से संबंधित समस्याएं जो हैं अब दूर होने वाली है। साथ ही साथ प्रेम करने वाले लोगों को उनके प्रेम में सफलता मिलेगी और आपके लिए ये समय माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। चारों तरफ से खुशियां आपको इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी कुंभ राशि वालों प्राप्त होने वाली है। आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा और आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस लिस्ट में जो तीसरी खुशनसीब और भाग्यशाली राशि आई है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों, आपको बता दें, आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा बनी रहेगी, जिसके कारण मेष राशि वालों आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपको चारों तरफ से सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए इस समय बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। चारों तरफ से धन लाभ होने वाला है। मेष राशि वालों, ये कृष्ण जन्माष्टमी आपके लिए बहुत ही लाभ वाली साबित होगी। आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा। बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ प्राप्त होंगी, जिससे घर परिवार में आपकी खुशियों का माहौल होगा। इसमें जो चौथी खुशनसीब और भाग्यशाली राशि आई है दोस्तों, वो है तुला राशि। तुला राशि वालों को बता दें, इस बार की जो कृष्ण जन्माष्टमी है आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाली है। आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा। साथ ही साथ यदि आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है, तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में अब लगने वाली है। अचानक से धन लाभ प्राप्त आपको मिलने वाला है। तुला राशि वालों, आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। साथ ही साथ यदि आप किसी भी कार्य को लेकर यात्राएं करेंगे, वो यात्राएं ज़्यादातर आपके लिए सफल होगी। घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। कहना गलत नहीं होगा तुला राशि वालों, आपको इस कृष्ण जन्माष्टमी चारों तरफ से धन लाभ होने के पूरे योग हैं, जिससे आपके घर परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी। घर परिवार में आपके खुशियों का माहौल रहेगा। समय का लाभ उठाएं, समय को अपने हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, इस लिस्ट में जो पांचवी खुशनसीब और भाग्यशाली राशि है वो है सिंह राशि। दोस्तों, सिंह राशि वालों को बता दें,
इस बार की जो कृष्ण जन्माष्टमी आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी साबित होने वाली है। कृष्ण जी की विशेष कृपा सिंह राशि वालों पर बन रही है। आपकी हर परेशानी अब समाप्त होने वाली है। साथ ही साथ आपको संपत्तियों में लाभ मिलेगा, धन लाभ प्राप्ति का योग आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जमीन खरीदने के लिए समय अच्छा है, धन लाभ प्राप्त होगी। नया मकान या फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पढ़ाई या नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना पूरा होगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार प्राप्त के भी अवसर अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। आपको मनचाही नौकरी प्राप्त हो सकती है। और आपको बता दें, आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल होगा। संतान प्राप्ति के आपको योग प्राप्त होने वाले हैं, कहना गलत नहीं होगा। सिंह राशि वालों, कृष्ण जन्माष्टमी आपके लिए बहुत ही लाभ वाली साबित होने वाली है। चारों तरफ से खुशियां आपको प्राप्त होगी। इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपको चारों तरफ से लाभ होगा। बड़ी बड़ी खुशखबरी आपके घर परिवार आपको प्राप्त होने वाली है। आपको बता दें, यदि आप व्यापार करते हैं, व्यापार भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। चारों तरफ से धन लाभ होगा। बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। विदेशों में यदि आपको कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी। आपको चारों तरफ से लाभ होगा। साथ ही साथ आपको नौकरी की तलाश है तो मनचाही नौकरी प्राप्त हो सकती है, इसके भी योग बन रहे हैं। आपको ये भी बता दें, संतान प्राप्ति का भी योग आपको प्राप्त होगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। यदि कोई कर्ज चल रहा है तो उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। ये कृष्ण जन्माष्टमी आपको भरपूर लाभ दिलाएगी। आप भरपूर लाभ उठाएं, इस समय को हाथ से ना जाने दें। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा इस बार इन राशि वालों के ऊपर कृष्ण जन्माष्टमी पर पड़ रही है, जिससे इन छह राशि वालों के जीवन में अपार धन सुख सफलता की प्राप्ति होगी, जिससे इन छह राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।